नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी को फिर से महंगाई का झटका लगा है और ये झटका घरेलू गैस सिलेंडर ने दिया है। गैस पर बढ़ती महंगाई से आम आदमी पहले से ही परेशान था, ऐसे में 50 रुपए की बढ़ोतरी ने आम आदमी के खाने पकाने को और भी ज्यादा महंगा कर दिया है। रसोई संभालने वाली महिलाओं का कहना है कि गैस पर बढ़ती महंगाई के चलते उनके रसोई का बजट पहले से ही बिगड़ रहा था, ऐसे में 50 रुपए की बढ़ोतरी ने आग में घी डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज के महंगाई के समय में हर चीज महंगी हो रही है, ऐसे में गैस पर 50 रुपए की बढ़ोतरी उनके लिए काफी नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि चूल्हे को छोड़कर उन्होंने गैस का सहारा लिया था, लेकिन जिस तरह से गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे ऐसा लगता है कि उन्हें वापस से चूल्हे शुरू करने होंगे, क्योंकि इतने महंगे दामों में गैस पर रोटी पकाना उनकी जेब को खाली कर सकता है। सरकारें महंगाई कम करने की बात कहती हैं, लेकिन आम आदमी की कमर तोड़ने के लिए बार बार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि पहले थोड़ा पैसा घटाकर बाद में ज्यादा पैसा बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि आज घर में रसोई में खाना पकाने से लेकर दूसरे कई कामों में गैस का उपयोग होता है। एक सिलेंडर महीने भर भी पूरी तरह से नहीं चल पाता, हर महीने बढ़ी हुई कीमतों से गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है। रसोई के दूसरे सामान दाल, चीनी, मिर्च मसाले, आटा, सब्जी सब पर महंगाई की मार पड़ रही है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम सरी। घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ाती है, क्या कहेंगे आप? अब ये इससे कहना चाहेंगे हम कि ये कहाँ तक, इतने काम है नहीं, कुछ है नहीं, तो ये कहाँ तक इतने हम भरवाएंगे कहाँ? 1053 को सिलेंडर हो गया, अब कब तक ऐसे गुजारा होएगा? कैसे बच्चे ने पाले, इसमें दाल रोटी को कैसे गुजारा होगा, क्या करेंगे इनमें? तो बताओ, इतनी महंगाई है, दिन दिन पे महंगाई होती जा रही है, काम है नहीं, काम काज सारे ठप्पर हैं, रोजगारी कुछ ऐसी है नहीं है। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहोगे? हम ये लगाना चाहें कि हमारे दरकार थोड़ा बजट कम हो, इसलिए हमारे बच्चे इनको भी गुजारा हो, पढ़ाइए लिखाइए, दाल रोटी को जो भी निकले, साग सब्जी तो इतनी महंगी, सिलेंडर तो इतने महंगे, काम हुई क्यों हुई है, काम इन पर कोई बढ़ावा नहीं है। क्या नाम है? अंजलि मैम। अंजलि, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, घरेलू गैस के सिलेंडर के दाम बढ़े 50 रुपया, क्या कहोगे? कोई सीमा नहीं है घरेलू गैस की सीमा बढ़ने की, कभी तो 50 बढ़ाते हैं, कभी 100 बढ़ा देते हैं। एक समय था कि हम लोग 500-600 में सिलेंडर लेते थे, इनका कोई सीमा तय होनी चाहिए। महंगाई बढ़ते जा रही है, आप निचले तबके को राशन पे राशन देते जा रहे हो, उचले तबके को सैलरी भी हाई फाई कर लो, फिर स्केल दे रही गवर्नमेंट, आखिर मध्यम वर्ग के लोग कैसे बचेगा, कैसे इनका राशन पानी चलेंगे, कैसे ये खाना खाएं? सरकार को सोचनी चाहिए, सरकार को सिर्फ अपनी अपनी समस्या से मतलब रहता है, अपनी अपनी मुद्दा से मतलब रहता है, लेकिन घरेलू समस्या को कोई नहीं समझता है। ये महिलाओं पर भारी बोझ बढ़ती जा रही है, महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है कि ये देशव्यापी विद्रोह का रूप धारण कर रहा है। ठीक है, क्या नाम आपका? किरण देवी। रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए, दाम बढ़ा दिए गए जी, तो बहुत अत्याचार हो रहा है, रोज सरकार ने रोज बढ़ा रहे हैं, बताओ हम लोग कैसे खाएंगे? 1000 रुपया पहले 1000 के आती थी, 900 के आती थी, अब 1060 कर दिए, बताओ हम इतना गुंजाइश कहाँ से पूरा कर पाएंगे? हम बहुत गरीब है, बताओ, हम तो चूल्हे पर खाने वाले हैं, फिर भी गैस पे जैसे तैसे हम रोटी खा रहे हैं, इतना महंगाई में कहाँ झील पाऊंगा? तो क्या कहना है, मतलब कि अब क्या करना चाहिए सरकार? सरकार से तुम्हें यही कहना चाहिए कि गैस की रेट कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, हाँ, और जो कुछ है महंगाई जो इतना है वो महंगाई कम करो। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।